हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम? चलो बहुत बढ़िया है। मैं लेकर आया हूँ एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिज़िक्स क्लास 11th का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। नाम आप सबने सुना होगा, है ना? वेक्टर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? वेक्टर्स जो है वो टॉपिक आपका ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पढ़ा दिया और आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जब यहाँ से पढ़ाने के बाद हर एक पार्ट में वो यूज़ होगा, आपके 11th के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, 12th में, बहुत सारे चैप्टर्स में। क्योंकि वेक्टर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैथमेटिक्स है। आपको पता है ना, दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैथमेटिक्स है, और जनरल रूल्स है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐसे डील किया जाता है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी 11th में, आगे वाले चैप्टर्स में, 12th में, तो ये सारे रूल्स लगेंगे। अब 12th में ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि बच्चे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ये पार्ट मुश्किल है। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो मुश्किल उनको हो रही होती है वो उस पार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी वजह से नहीं हो रही होती। उस पार्ट में कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज़ हो रही है जो वेक्टर है, और उसमें वेक्टर के रूल्स लग रहे हैं जो अपने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये रूल्स उनको ठीक से समझ में नहीं आए तो उनको वाली चीज़ भी डिफ़िकल्ट लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ लोगे, वेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, तो आने वाली फिज़िक्स जो है वो आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? आप सबने इसकी डेफिनेशन सुनी होगी कि अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये आपको पता होगा, बट इस बात का मतलब क्या है? देखो, डेफिनेशन हमने लर्न कर ली, बहुत ही बढ़िया, हम एग्ज़ाम में लिख भी आएंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमको फील ना हो उसका, कि मीनिंग ना पता हो कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि एक क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बहुत बढ़िया, एक तो लिटरल आपको मीनिंग पता हो, लेकिन एक पूरी फील भी हो कि हाँ, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो वो फील हमको लेनी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, एक तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आप सिर्फ वैल्यू बता दो तो काम चल जाता है, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करें डिटेल में कि वेक्टर्स होते क्या हैं। एक तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसमें आप वैल्यू बता दो तो आपका काम चल जाता है, और आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मास है। अब मास जो है किसी बॉडी का, आपने मास बताया कि एक बॉडी है आपके पास जिसका मास है 5 kg, यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। अगर हम आपको उस बॉडी के मास की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है, तो यहाँ पर बात ख़त्म हो गई कि उस बॉडी का जो मास है वो 5 kg है, और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो आपके पास एक लोहे का बॉक्स है जिसका मास है 5 kg, ठीक, और आपने उस लोहे के बॉक्स पे दो मैग्नेट्स चिपकाए 1-1 kg के। जैसे आपके पास एक आयरन बॉक्स है, ये आपके पास एक आयरन बॉक्स है और इसका मास है मान लो 5 kg, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर दो मैग्नेट्स चिपकाए, एक मैग्नेट आपने यहाँ पे चिपकाया 1 kg का, एक मैग्नेट आपने यहाँ पे चिपकाया 1 kg का, ये दो मैग्नेट्स आपने चिपकाए, ठीक। अब आप बताओ कि अगर इस पूरे सिस्टम को अब वे किया जाएगा तो इसका मास कितना मिलेगा? 7 kg, है ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मास मिलेगा 7 kg। बट आप ये सोचो कि अगर ये 1 kg का मैग्नेट मैं यहां की बजाय ये सामने वाले फेस पे चिपकाता, तो आपको लगता है कि इसका मास कुछ और निकलता? इसका मास अभी भी क्या होता?
इसका मास अभी भी 7 kg होता। अगर मैं इस मैग्नेट को नीचे चिपकाता, टेढ़ा चिपकाता, इस तरफ चिपकाता, ऊपर वाले को भी कहीं पर भी और चिपकाता, तो टोटल मास कितना निकलता? हर बार 7 kg निकलता। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, इन ब्लॉक्स को किस डायरेक्शन से लाया गया है, टोटल मास उस बात पे डिपेंड नहीं करता। मास में जब भी मास की बात होती है तो किसी भी तरीके से डायरेक्शन की कोई बात नहीं आती, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मास की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब आप मान लो कि जैसे इसी ब्लॉक पे, अब मास छोड़ो, अब इसी ब्लॉक पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस ब्लॉक पे आपने दो फोर्सेस लगाई हैं 10-10 न्यूटन की। इस ब्लॉक पे आपने दो फोर्सेस लगाई हैं 10-10 न्यूटन की, अब बताओ टोटल फोर्स क्या होगी। अब आप नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये ना बताया जाए कि वो 10-10 न्यूटन की जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो 10-10 न्यूटन की फोर्स, एक फोर्स इधर से लगाई जाए 10 न्यूटन की और एक फोर्स इधर से लगाई जाए 10 न्यूटन की, तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगी? जीरो। एक ब्लॉक को आप इधर से पुश कर रहे हो और आपका फ्रेंड उस तरफ से उतना ही पुश कर रहा है, तो वो ब्लॉक कहाँ जाएगा? कहीं पर भी नहीं जाएगा, है ना। अगर यही दोनों फोर्सेस इस तरफ से लगाई जाती तब आंसर मेरे को क्या मिलता? आंसर मेरे को मिलता 20 न्यूटन। और अगर एक फोर्स ऐसे लगाई जाती या फिर ऐसे लगाई जाती तब आंसर आपका ना जीरो होता ना 20 होता, तब आंसर कुछ और होता। वो क्या होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आंसर हम कैसे निकालेंगे। बट मेन पॉइंट ये है कि फोर्स की सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चल रहा। जब आप फोर्स बताओगे तो जब तक आप फोर्स की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन नहीं बता देते, आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो एक तरीके से, ठीक है ना। तो जब आप पूरा बताओगे कि मैंने दो फोर्सेस अप्लाई करी हैं और दोनों सेम फेज पे करी हैं, सेम डायरेक्शन में, अब बताओ नेट फोर्स क्या है, तब जाकर आंसर दिया जा सकता है। समझ में आई बात? तो ऐसी क्वांटिटीज, धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलता, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तब आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हो उनके बारे में कि आप बता क्या रहे हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में जो रूल्स यूज होते हैं वो रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंडर, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, देखो इसको हम बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जितना टाइम आप लगाओगे वेक्टर्स में उतना ही टाइम आपको कम लगाना पड़ेगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। बच्चे इसको जल्दी जल्दी कर जाते हैं और आगे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, आराम आराम से करो। वेक्टर्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आगे हेल्पफुल रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, बच्चों वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस एरो के बारे में कुछ खास बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, एरो की, देखो वेक्टर के दो पार्ट है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक उसका मैग्नीट्यूड है, एक उसकी डायरेक्शन है। तो एरो से दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। कैसे? मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होता है एरो से? बच्चों एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपने एक ऐसा एरो बनाया, पहले तो इस एरो के मैं पार्ट समझा दूँ। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाला पार्ट है ना, तो फिर ऑब्वियसली इस पार्ट को हम लोग हेड बोलेंगे, ठीक। अब आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर की मान लो इतनी लेंथ है, ठीक, और ये एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है 10 न्यूटन की। मान लो ये एक फोर्स रिप्रेजेंट करता है 10 न्यूटन की। अब एक दूसरी फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में है बट वो 5 न्यूटन की है। अब एक दूसरी फोर्स है जो इसी डायरेक्शन में है बट वो 5 न्यूटन की है, तो उस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 5 जो है वो 10 का हाफ होता है, तो उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी डायरेक्शन में एक एरो बना के जिसकी लेंथ इस एरो के आधा होगी। ऐसे अंदाजे से आप ले लो, मतलब यहाँ पे हमारे पास स्केल नहीं है तो अंदाजे से, बट एग्जैक्ट आधी होनी चाहिए इतनी, है ना। तो ये अगर 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये रिप्रेजेंट करेगी 5 न्यूटन की फोर्स इसी डायरेक्शन में। मान लो एक और फोर्स है
जो कि है आपकी 5 न्यूटन की, और वो इससे 60 डिग्री के एंगल पर है। ठीक, तो ऐसे ये हो गई 5 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक, एंगल्स के कैसे हम लोग देखते हैं वेक्टर्स में, हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में इस बारे में, बट यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर आप एक डायग्राम में 2-3 वेक्टर क्वांटिटीज़ को एरोस से दिखा रहे हो, तो एरोस की जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ आप जब स्केल से ड्रॉ कर रहे हो तो उसको कितना भी सेंटीमीटर कितना भी मिलीमीटर लो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में एक स्केल बना लो कि 10 सेंटीमीटर का मेरा मतलब है 10 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन हो गया। तो अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की आपने उसको 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन से दिखाया है, तो दूसरी वाली फोर्स जो 5 न्यूटन की उसको 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन से दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो एरो की जो लेंथ है वो वैक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रपोर्शनल होती है। समझ में आई बात, एरो से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब ये हमने क्या तरीका बनाया, जैसे अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन कैसे बताते हो, मैं बोलूं कि ये प्लेस कहाँ है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से कोई पूछ रहा है वॉली बिल्डिंग कहाँ है, तो मैं कहूँगा वहाँ। अब ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये एरो मैंने बना दिया, ये एरो का हेड हो गया, ये एरो की टेल हो गई, है ना, वहाँ। अब मेरे से कोई पूछ रहा है यार, वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रहा है कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, मैं कहूँगा वहाँ। अब वो चल पड़ा, उसका फ्रेंड चल पड़ा, तो मैं कहूँगा वहाँ, है ना। अब उसकी पोजीशन बदल गई, उसकी पोजीशन बदल गई, तो मैं उसको बता रहा हूँ वहाँ। तो ये एरो है, एरो से डायरेक्शन हम लोग बताते हैं, रियल लाइफ में भी हम ऐसे पॉइंट करके डायरेक्शन बताते हैं, तो हमने वही तरीका बना लिया कि हम एरो से डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, तो फिर हमने सोचा मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, तो हमने बहुत ही बढ़िया एक चीज़ सोची कि जो एरो की लेंथ होगी उसको मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिंबल ऑफ अ वेक्टर। अब तक आप बच्चों, जैसे आप 10th तक पढ़े हो, आपने फोर्स भी रिप्रेजेंट किया है, फोर्स को आपने एफ से रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, उसको आपने वी से रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके पढ़ सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो, अगर डायरेक्शन चेंज ही ना हो रही हो, हम ये बात कर सकते हैं ना कि 9th-10th तक भी हमने काफ़ी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वहां पे दिया होता था ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट हमने वहां पे ये जो वेक्टर के रूल्स हैं ये सारे क्यों नहीं पढ़े, बिकॉज वहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स थे सारे वो स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड थे। अगर सारे की सारी चीज़ें मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी, ये अगर हमको हमारी जो बॉडी है क्वेश्चन में वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, उसकी डायरेक्शन चेंज ही ना हो रही हो, तो फिर इनको स्केलर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। देखो ये इन इन सब में डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, लेकिन डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस तभी तो आएगी ना अगर यहाँ पर चलते चलते बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो। अब आप 9th-10th में जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो सारे स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड हैं, तो जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है तो हम लोग डायरेक्शन के फंडे जो है हमने उतने डिटेल में डिस्कस नहीं किए। तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है तो हमने वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड, फोर्स को, इन सबको स्केलर्स की तरह ही ट्रीट किया। ठीक, बट यहां पे क्या है कि हमें वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर्स की तरह जब हम इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये हैं ही वेक्टर्स प्रॉपर, जब इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगी, तो इनका सिंबल कैसे लिया जाता है, सिंबल ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लो मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंबल है ए, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए के ऊपर एक एरो लगा के। जैसे आपकी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो आप 10th तक तो फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो। एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर दूं कि डायरेक्शन बताते कैसे हैं, ये चीज हमने अभी डिस्कस करी नहीं है, अभी हम आने वाले उसमें बात करेंगे टॉपिक्स में कि डायरेक्शन बताएं कैसे, मैथमेटिकली डायरेक्शंस बताने के तरीके होते हैं, तो डायरेक्शन बताएं कैसे,
वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो तो आप फिर उस फोर्स को एफ नहीं लिख सकते, आपको फोर्स के ऊपर एरो लगाना पड़ेगा जो ये बताता है कि अब ये वेक्टर है। अगर आप किसी चीज को वेक्टर बोल रहे हो अब से, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो, या फिर अगर आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है और वो आंसर आ रहा है, जैसे आपने फोर्स निकाली किसी क्वेश्चन में, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन बताएंगे कैसे, एक बार फिर बता रहा हूं, अभी हमने वो बात डिस्कस करनी है, ठीक। बट यहां पर वेलोसिटी को वी ऐसे ले लेना है ना, एक्सेलरेशन को ए, डिस्प्लेसमेंट एस एरो, मोमेंटम पी एरो। अभी मैं सिर्फ उतनी ही फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं या बात कर रहा हूं जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हैं। अभी हमारा इससे काम भी चल जाएगा, क्योंकि और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो थोड़े आगे आने वाले टॉपिक्स में आएंगी, प्लस वो जो अगर कोई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है और वो वेक्टर है, तो आपको सिर्फ उसके बारे में ये समझना है कि ये क्वांटिटी है क्या। बाकी वो वेक्टर है तो वेक्टर के सारे जनरल रूल तो उस पर लगेंगे ही। तो अभी हम सिर्फ 5 एग्जांपल्स को लेके चलें तो हमारा सारा काम हो जाएगा। ये 5 एग्जांपल्स वो हैं जो नाइन्थ में भी थी क्वांटिटीज़, तो इनको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वांटिटी क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। ये ऐसी क्वांटिटीज थी जो वेक्टर थी जो आपने नाइन्थ में पढ़ी हैं, जितनी भी क्वांटिटीज उनमें से, ठीक। अभी भी अगर आप सिर्फ वैल्यू बता रहे हो, जैसे आप बताते हो कि फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, बिकॉज आपने बोला 5 न्यूटन है। 5 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन की तो कहीं बात नहीं हुई। तो अगर डायरेक्शन की बात नहीं हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, फिर ये नहीं लगाना आपको, फिर एरो नहीं लगाना, फिर तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये करेक्ट है। या आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो एरो के ऊपर आप मॉड लगा दो, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हो तो फिर आप एरो नहीं लगाओगे, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो आपको एरो नहीं लगाना, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो। कैसे बताते हैं अभी बताता हूँ, तब आपको एरो के साथ बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है पहले हमें वो डायरेक्शन वाली बात ही डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में चलते हैं, बाकी टाइप में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप हमें समझ लेना चाहिए वो है यूनिट वेक्टर। इसके बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यूनिट वेक्टर, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या है जरा ध्यान से सुनना, यूनिट का मतलब होता है 1। तो आप सोचो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो 1। अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit, जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 unit, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है अलग। इसका जो मतलब सिंबल है, यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है, जैसे मान लो x आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो आप x के ऊपर ये सिंबल लगाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैप, इसको हम लोग बोलते हैं कैप और हैट, टोपी, टोपी लगा दी ना हमने इसके सर पे। तो जब आपके वेक्टर के ऊपर ऐसा सिंबल लगा है, एरो नहीं लगा है, तो आप समझ जाओ कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बच्चों इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे इसको मैं रब करता हूँ, देखो हमने 3 यूनिट वेक्टर्स याद रखने हैं, आई कैप, जे कैप, कैप बहुत ऊपर चला गया, और के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, जब तक वेक्टर्स पढ़ते रहोगे इन तीनों यूनिट वेक्टर्स का नाम सुनते रहोगे। ये क्या क्या है बच्चों? आई कैप इज यूनिट वेक्टर
along x-axis. J cap is unit vector along y-axis and k cap is unit vector along z-axis. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, जैसे आपके x और y एक्सिस होते हैं या z एक्सिस होता है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, x और y से मैं समझा देता हूँ आपको, z की बात अपने आप समझ में आ जाएगी। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस में आपकी डिविजन्स बनी रहती हैं, 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो ना, 10th में भी चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में। तो आपकी ये जो डिविजन्स बनी होती हैं, अब तक तो आप इन डिविजन्स को 1, 2, 3 ऐसे बोलते थे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ आई कैप, अगर मैं बोल रहा हूँ आई कैप, तो मेरा मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पर है और जिसका हेड 1 यूनिट पर है। जिसका टेल ओरिजिन पर है और जिसका हेड जो है वो 1 यूनिट पर है। अगर मैं बोलता हूं जे कैप, तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर है और हेड 1 यूनिट पर है वाई एक्सिस के अलोंग। अगर मैं बोलता हूं आई कैप, तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पर है, हेड 1 यूनिट पर है एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे कैप बोलता हूं तो वही टेल ओरिजिन पर है और हेड 1 यूनिट पर है वाई एक्सिस के अलोंग। समझ गए? तो इससे क्या हुआ, अब 1 यूनिट को आई कैप बोलने से क्या हुआ, 1 यूनिट को आई कैप बोलने से मुझे डायरेक्शन मिल गई। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एक फोर्स है वो 5 न्यूटन है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चला। लेकिन बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि जो मेरी फोर्स है वो 5 i कैप न्यूटन है, अगर जो फोर्स है वो 5 i कैप न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चल गई। 5 i कैप न्यूटन से आपको क्या पता चला कि इट इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। अगर मैं इसको सिर्फ 5 लिखता, आपको सिर्फ वैल्यू पता लगती। देखो, सिर्फ एक छोटा सा आई कैप लगाने से आपको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी पता चल गई, समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मान लो एक आई कैप, जे कैप, के कैप, समझ में आ गया ना आपको? इसी तरीके से हाँ, के कैप क्या है, के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है बच्चों, 3D में सोच सकते हो, जैसे आप रूम, ये रूम में मैं खड़ा हूँ ना, एक ये फर्श हो गया, तो फर्श के अलोंग ये जो जा रही है लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गई सपोज, और ये वाली जो लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस हो गई, और ये जो छत पे ये जो लाइन जा रही है दो वॉल्स के बीच में, ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इज के कैप, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल जो है वो ओरिजिन पे है और हेड जो है वो जेड एक्सिस पे 1 यूनिट पर है। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि एक कार जा रही है जिसकी वेलोसिटी है -3 j cap meter per second, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस कार की डायरेक्शन क्या है, उस कार की डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, और उस कार की वेलोसिटी क्या है, -3 meter per second, नहीं 3 meter per second। माइनस का मतलब है, मुझे ये पता चला ना कि वो जे कैप में नहीं है, मतलब वाई एक्सिस में नहीं है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ये आपका माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो -3 j cap का मतलब है ये है आपकी कार 1 unit 2 unit 3 unit 3 meter per second की स्पीड से, 3 meter per second की स्पीड से एक कार जा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रही है।
तो बेसिकली कार जा कहाँ रही है, ड्राइवर को क्या पता या कार को क्या पता कि नेगेटिव वाई एक्सिस क्या है। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में एंटायरली हमारी मर्जी होती है कि मैं किस डायरेक्शन को एक्स लेता हूँ और किस डायरेक्शन को वाई लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखते हैं, ड्रोन उड़ा रखा है हमने, ड्रोन कैमरा से देखते हैं एक कार आपकी, ये कार जो है बड़ी कार बना दें, ये कार है डब्बा सा, ठीक है, ये कार आपकी ऐसे जा रही है, ये एक सड़क है, ठीक। अब इस सड़क को ये रोड ऐसे जा रही है, मान लो इधर भी एक रोड थी, ठीक है, मान लो ये रोड थी ऐसे और ये चौराहा हो गया आपका, ऐसे जा रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप किसको एक्स और वाई लेना चाहते हो। मान लो आप कहते हो हम तो स्टैंडर्ड तरीके से लेंगे, अगर हमें ऐसा दिख रहा है तो ये एक्स हो गया, माइनस एक्स हो गया, वाई हो गया, माइनस वाई हो गया, और ये कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप बोलोगे कि इस कार का जो वेलोसिटी वेक्टर हुआ वो हुआ 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? अगर आप बोलते हो कि नहीं जी हम तो इसको प्लस एक्स लेंगे, तो ये मेरा माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ले लो, तब आप इसकी वेलोसिटी को बोलोगे 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। वो एंटायरली आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन में एक्स और वाई एक्सिस किसको कंसिडर करते हो। समझ में आई बात? तो इसलिए उस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स और वाई क्या, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये एक्स है ये वाई है, तो उस क्वेश्चन के लिए चेंज नहीं करना, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बता सकते हो वेक्टर की वेलोसिटी इधर है तो इतना आई कैप में होगी, जे कैप में होगी, के कैप में होगी, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, सो अब आपको पता लग गया कि डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो अब अगर आप आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो। सो ऐसे केस में आपको एरो लगाना पड़ेगा इसकी क्वांटिटी के आगे। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी इज -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूँ ना, तो फिर मैं ऐसे वी नहीं लिख सकता, मेरे को लिखना पड़ेगा ऐसे। समझ में आई बात? मेरे को लिखना पड़ेगा जे कैप, अगर मैं लिख रहा हूं तो एरो लगा के। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो गलत है, क्योंकि मैंने एरो नहीं लगाया, इधर डायरेक्शन बताई। डायरेक्शन बताने का क्या मतलब है? डायरेक्शन बताने का मतलब है कि अब ये क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर हो गई, और आप इधर क्वांटिटी के साथ एरो नहीं लगा रहे हो, जिसका मतलब है कि ये तो अभी स्केलर क्वांटिटी का सिंबल है, तो इस तरफ वेक्टर हो गया, इस तरफ स्केलर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर हुई नहीं, कैसे बराबर हो, इसे भी वेक्टर बनाओ, और वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ये। इसी तरीके से अगर आप बता रहे हो कि कार की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और आपने इधर लिख दिया ऐसे, तो आप तो सिर्फ वैल्यू बता रहे हो, यानी कि अभी आप इसको स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, तो इधर आपने ये मतलब ये तो हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, इधर आपने इसके साथ एरो भी लगा दिया, यानी कि ये हो गई वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कहाँ रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं रहा, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एरो आपको कब लगाना है कब नहीं लगाना है। जब आप आई जे के में रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वांटिटी को, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो, तो फिर उसका जो भी सिंबल रखो वो आपके ऊपर है, बट उसके ऊपर एरो लगाओ। और अगर आप आई जे के नहीं बता रहे हो, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, तो फिर आपको उसके ऊपर एरो नहीं लगाना, तब लगाओगे एरो तो गलत हो जाएगा, ठीक। अगर आप कहते हो नहीं जी हमें तो एरो लगाना है और हम तब भी मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी आपको उसका तरीका बताया है कि अगर आप एरो के साथ साथ, ये तो देखो स्केलर है इसमें डायरेक्शन नहीं बताई, तो एरो के साथ साथ अगर आप ये लगा दो मैग्नीट्यूड का सिंबल तो भी करेक्ट है। समझ में आई बात? यहाँ तो आप एरो लगा भी मत, लेकिन अगर आपको एरो लगाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई एरो लगाना है, बड़ा पसंद है हमको एरो, कोई दिक्कत नहीं है, एरो के साथ साथ आप मैग्नीट्यूड का साइन लगा दो फिर करेक्ट है। अब आप ये बता रहे हो कि ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैं सिर्फ इसका क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात?
ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि और कौन-कौन से टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर तो आपने पढ़ लिया क्या होता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नल वेक्टर से। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या है बच्चों? नल वेक्टर आपका नल नहीं है, पानी वाला, सॉरी गंदा चल, ठीक, पानी वाला नल नहीं है। नल वेक्टर, नल का मतलब होता है जीरो, ठीक है? जीरो वेक्टर मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका ना मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है। नल वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है फिर? देखो, इसका सिर्फ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकली कोई सेंस नहीं बनता है एक ऐसे वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो और डायरेक्शन भी नहीं है। बट हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में कई जगह पर काम आता है, तो इसलिए हमने इसको एक वेक्टर बना रखा है कॉन्सेप्ट वाइज। फॉर एग्जांपल, जैसे ओरिजन है, जैसे अभी आपको मैंने बना के दिखाया है कि 1 यूनिट का पोजीशन वेक्टर है, आई कैप, वाई एक्सिस में है जे कैप। तो जो ओरिजन है, पोजीशन वेक्टर टर्म यूज़ करी ना मैंने, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? जे एक ऐसा वेक्टर, जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जिसका हेड उस पॉइंट पर है और टेल जो है वो ओरिजिन पर है। जैसे आई कैप जो है वो 1,0 का पोजीशन वेक्टर है, 1 यूनिट एक्स एक्सिस पे उसका पोजीशन वेक्टर है ना वो। तो पोजीशन वेक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, अभी इतना आप समझ लो, है ना? तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन का क्या होगा? ओरिजिन से ही हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो खुद ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आप कहोगे बिल्कुल ही जीरो मैग्नीट्यूड का, ना ही तो उसका मैग्नीट्यूड बना ना ही डायरेक्शन बनी, है ना? तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। वेक्टर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो, ठीक। अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ या जीरो से, और उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, ठीक। दूसरा, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? दो वेक्टर्स, देखो वेक्टर बोल रहे हैं ना, तो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब हुआ दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल आर सेट टू बी इक्वल इफ दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वेक्टर आपने ऐसे बना दिया, मान लो ये वेक्टर है ए, अब एक ऐसा ही वेक्टर बनाओ बी जिसका मैग्नीट्यूड भी यही हो और डायरेक्शन भी यही हो। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लेते हैं? एरो से लेते हैं ना। तो मैंने एक और वेक्टर बना दिया सेम इसी एरो की लेंथ का और इसी डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। जैसे अभी हमने पीछे एक बॉक्स बनाया था और बॉक्स पे 2 10 10 न्यूटन की फोर्सेस लगाई थी सेम डायरेक्शन में, तो वो इक्वल वेक्टर्स थे, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब आप सोचो एक ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो एक वैक्टर के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वैक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, एज दैट ऑफ
ओरिजिनल वेक्टर बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर हुआ ए, तो माइनस ए क्या हुआ, ठीक इतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन ठीक उल्टी डायरेक्शन में जो एक्ट करता है उसे इस वेक्टर का नेगेटिव बोला जाता है। वेक्टर्स में नेगेटिव हम लोग लेते हैं कैसे, सेम उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लो, जिस वेक्टर का भी नेगेटिव आपने लेना है उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो ठीक उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, चौथा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या है बच्चों, दो वेक्टर्स, अब जैसे दो वेक्टर्स थे जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल था और डायरेक्शन भी इक्वल थी, उनको हमने बोला इक्वल वेक्टर्स। लेकिन दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम ना हो बट डायरेक्शन सेम हो, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, कम मैग्नीट्यूड का है लेकिन सेम डायरेक्शन में तो है ना, ये हो गया सी, ये इन दोनों से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का बट है तो इसी डायरेक्शन में, तो ये सारे क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक, और हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं को इनिशियल वैक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स बच्चों, वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट अगर कॉमन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल पॉइंट कॉमन होने का मतलब है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट उसका क्या कहलाता है, टेल कहलाती है। तो दो ऐसे वेक्टर्स हैं ये और ये, ए और बी, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं सेम है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर्स और कॉन्करेंट वेक्टर्स, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक, एंड नेक्स्ट इज को प्लैनर वेक्टर। को प्लैनर वेक्टर्स क्या है, को प्लैनर वेक्टर्स हैं बच्चों वेक्टर्स विच एक्ट इन सेम प्लेन, वेक्टर्स विच एक्ट इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है जैसे ये प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स एक्ट करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे को प्लैनर वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर जैसे ये 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 जितने भी यहां पर मैंने एरो बनाए हैं ये हैं तो सिर्फ ये सारे इस बोर्ड के प्लेन में है ना, तो जो बोर्ड के प्लेन में किसी भी एक प्लेन सरफेस के अलोंग जो एक्ट करते हैं उनको बोलते हैं को प्लैनर वैक्टर्स। आप ये सोचो एक वेक्टर है ए बी और मान लो एक तीसरा वेक्टर ऐसे मैंने ले लिया सी, तो ये क्या आ गया, ये प्लेन से बाहर आ गया ना, तो फिर जो ए और बी है वो तो को प्लैनर हुए लेकिन जो सी है वो उनके साथ को प्लैनर नहीं होगा। समझ में आई बात। और एक और टर्म है वेक्टर्स की, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं जिनको हम। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक, आप लिख लेना डेफिनेशन, पॉज करके इसको लिख लो कि दोज वेक्टर्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, आप उनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोल दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कुछ टाइप के वेक्टर्स हैं, अगर कोई और टर्म आती है बीच में तो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, ये कॉमन टर्म्स हैं जो यूज होंगी।
अब वेक्टर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है ना, एक वेक्टर यहां है। अब जैसे एक वेक्टर मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ठीक, अब वेक्टर के बारे में, वेक्टर के लिए हमको खुली छूट है इस बात की कि वेक्टर को हम कहीं पर भी माने जब तक उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, देखो आपने ए यहां बनाया, ठीक, अब ये जो ए है, अगर इसको मैं, ये एरो है ना इतना, मैं इसको सपोज यहां बनाता हूं ऐसे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से यहां उठा के रख दिया। वेक्टर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो आप देखो कि जब मैंने इसको यहां से यहां उठा के रखा तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इसके एरो की लेंथ देखो उतनी है। क्या इसके डायरेक्शन में कुछ चेंज हुआ, डायरेक्शन में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये इसी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, तो ये इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, नहीं समझे, जैसे जैसे मैं यहां खड़ा हूं, है ना, मान लो मेरे से कोई पूछे कि दिल्ली कहाँ है, तो मैं बोलूँ दिल्ली इधर है, मैं ऐसे पॉइंट करूँ। आप सोचो कि जो वहाँ पे खड़ा है बंदा, उससे कोई पूछे वो भी तो इधर ही पॉइंट करेगा, है ना, जो मेरे वहाँ खड़ा है वो भी तो उधर ही पॉइंट करेगा, समझ में आई बात। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहा है, वो डायरेक्शन यहाँ से भी बताई जा सकती है, यहाँ से भी बताई जा सकती है, यहाँ से भी बताई जा सकती है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप इसको यहाँ पर ऐसे बना दो, क्योंकि ऐसे केस में आपने डायरेक्शन बदल दी। तो आप कहीं पर भी इसको एज्यूम करो, जब तक इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इससे आपको वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों, वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना हो तो पहले आप उन दोनों की टेल्स को कोइंसाइड करो। अब टेल्स को कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि एक वेक्टर यहाँ है एक वहाँ है, तो उनको उठा के पास लाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए पास कैसे लाना है। पास ऐसे लाना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक, तो ये एंगल निकालने का करेक्ट तरीका है, क्योंकि इन दोनों की जो टेल्स हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं आपस में। अब आप ये देखो कि जैसे एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी, और आपको ये वाला एंगल दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इन वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ जहाँ से ये एंगल दिया हुआ है वहाँ पर दोनों की टेल्स कोइंसाइड नहीं हो रही। तो पहले दोनों की टेल्स कोइंसाइड करो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब उसके लिए आपको इस वेक्टर बी को उठा के ऐसे शिफ्ट करना होगा कि इसकी जो टेल है वो ए की टेल पे आ जाए। अब इसकी जो टेल है वो ए की टेल पे आए, इसको हम केयरफुली उठा के यहाँ शिफ्ट करते हैं, इतना बड़ा वेक्टर है ना ये शिफ्ट कर दिया, तो इस बी और इस बी में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज हमने ना मैग्नीट्यूड चेंज करा ना डायरेक्शन चेंज करी, ठीक। तो अब आप सोचो कि ये एंगल कितना होगा, ये करेक्ट एंगल माना जाएगा ए और बी के बीच में, इसको भूल जाओ अब, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये 180 डिग्री है ना, 120, तो सो एक्चुअली एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री, समझ में आई बात। इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो दो वेक्टर्स के बीच में। अब देखो, अगर अभी हमने देखा ना पीछे कि जैसे एक फोर्स है 5i कैप, तो 5i कैप जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, और i कैप देख के हमको पता लग रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो इससे हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, विच इज मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद वेक्टर। स्केलर मतलब किसी नंबर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जैसे हमारा वेक्टर था आई कैप, आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर था, तो जब मैंने उसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया, ये जो वेक्टर बना 5 आई कैप, तो आई कैप और 5 आई कैप में क्या डिफरेंस है, क्या डायरेक्शन का डिफरेंस है? डायरेक्शन का तो कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। किस चीज़ का डिफरेंस आया? डिफरेंस आया मैग्नीट्यूड का। ये वाला जो वेक्टर है इससे 5 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, ये जो वेक्टर है इस वाले से 5 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आया। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए और मैंने उसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया के, तो मुझे ये जो न्यू वेक्टर मिला बी, के इंटू ए, बी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वही है जो ए की डायरेक्शन है, बट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से के टाइम्स ज़्यादा है। डायरेक्शन ऑफ direction of B is same as that of A, but magnitude of B is K times that of A, है ना? ऐसे ये मतलब होता है एक वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई करने का। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड -5/2a, ए और -5/2a के बीच में एंगल कितना होगा सपोज, तो ए तो आपका वेक्टर हो गया, -5/2a का क्या मतलब है कि क्या ये वाला जो वेक्टर है न्यू, ये इसके इसकी जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए से -5/2 टाइम्स ज्यादा है? इस बात का तो कोई सेंस नहीं बना। जब आप किसी चीज़ को बताओगे कि वो इससे इतने टाइम्स ज्यादा है या कम है तो माइनस में थोड़ी बताओगे, अगर वो उससे कम भी है तो आप बोलोगे 1/2 टाइम्स या 1/4 टाइम्स। तो माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब हमेशा वेक्टर्स में डायरेक्शन के लिए होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसका मतलब है कि ये वाला जो वेक्टर है इस वाले वेक्टर के, माइनस साइन देखो, नेगेटिव है, यानी ये एक वेक्टर है जो इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इस वेक्टर से 5/2 टाइम्स ज्यादा है। जैसे मान लो ये एक फोर्स है 10 न्यूटन की, इधर एक्ट कर रही है ये वेक्टर, मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर जो है मेरा, ये एक फोर्स है जो इधर एक्ट कर रही है, ये 10 न्यूटन की है, तो 10 का 5/2 कितना हुआ, 5/2 ऑफ 10 25, 5/2 ऑफ 10 इज 25, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है एक 25 न्यूटन की फोर्स जो इसके उल्टी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। माइनस का मतलब ये है। बट हमें तो क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ये बी मान लो, है ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो एंगल कितना हुआ, ये इधर, मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब ही नहीं है, एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया 180 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात सोचो कि जैसे आपको बताया, जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस हैं और ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ये वाला जो हमारा वेक्टर था, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया है, 1 यूनिट पे है ना ये, इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया है, इस वेक्टर को हमने बोला आई कैप और इस वेक्टर को हमने बोला जे कैप। अब आप ये सोचो कि वेक्टर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका जो वेक्टर है वो एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग हो। फॉर एग्जांपल पहले ये नंबर्स लिख दूं मैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे इसको सीधा खींचते हैं, ये सीधा खींचते हैं,
ये पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, है ना। एक वेक्टर ये भी तो है, अगर मैं ओरिजिन से, अगर मैं ओरिजिन से, ओरिजिन ओ से इस पॉइंट पी को जोड़ दूं, यानी कि एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जिसका टेल तो ओरिजिन पे हो और जिसका हेड इस पॉइंट पी पे हो, तो उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब अब मैं इसके साथ आई कैप लगाऊं या जे कैप लगाऊं? अब ये तो ऑब्वियस है कि ना इसके साथ सिर्फ आई कैप आ सकता है, क्योंकि आई कैप उसके साथ आता है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ना इसके साथ सिर्फ जे कैप आ सकता है क्योंकि जे कैप उसके साथ आता है जो वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग होता है, ये तो बीच में है कहीं पर। ऐसे केस में हम वेक्टर को क्या लिखते हैं बच्चों? ऐसे केस में हम वेक्टर को लिखते हैं, पहली बात तो सुनो कि हम इसको बोलते क्या है। अभी मैं पीछे समझा रहा था ना आपको, अब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ उस पॉइंट को जो कि है पोजीशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वेक्टर्स में, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कि आप उस पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रॉ करो जिस वेक्टर का हेड उस पॉइंट पे हो और टेल ओरिजिन पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, अब मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट है मेरे पास एक्स कॉमा वाई, अभी जैसे 3, 2 है ना, एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। जनरल रूल क्या है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, ओपी, अब नामकरण भी सीख लो वेक्टर्स का। इस वेक्टर का नाम हमने ओपी रखा है, इस वेक्टर का नाम पीओ नहीं रखा है। अब वेक्टर्स में और लाइन सेगमेंट के नामकरण में क्या फर्क है? आप 10th में पढ़ते हो, आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो ए बी ज्योमेट्री में, 9th में 10th में, तो आप इस लाइन को ए बी भी बोल सकते हो, बी ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक वेक्टर है, यानी कि उसकी एक डायरेक्शन है, तो उसका नाम हमेशा इस तरीके से रखा जाता है कि टेल का नाम पहले आए। जैसे इसकी टेल है ओ, हेड है पी, तो इस वेक्टर का नाम ओ पी होगा, इस वेक्टर का नाम हम पी ओ नहीं रख सकते, इस वेक्टर का नाम ओ पी होगा, और एरो लगा दिया जो ये शो कर रहा है कि ये वेक्टर ओ से पी की तरफ है। समझ में आया? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और ये क्या होता है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जे कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। समझ में आई बात? अभी मैं 2D में बात कर रहा हूं ना, चलो मैं डायरेक्ट 3D से ही कर देता हूं शुरू। मान लेते हैं इसमें एक तीसरी एक्सिस भी ले लेते हैं, यहां पे हमारे पास Z एक्सिस भी है, ये रही Z एक्सिस, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y, Z। तो बच्चों इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा OP, वो होगा X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। सिंपल सी बात है, ठीक, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपके काफ़ी चीज़ें हल करेगी आगे जाके ये बात, कि अगर आपको पता है कि एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ये बात आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही सिंपल है निकालना, ना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट सवाल है कि ये क्यों होता है, बीच में प्लस का साइन लगाने का क्या लॉजिक है, अभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। बट पहले इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं हम। सो ओपी पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, समझ में आ गई बात? गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी का मतलब है, जैसे ये कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई फोर्स है, तो उस फोर्स की अपनी कोई वैल्यू भी तो होगी ना, कि वो फोर्स 5 न्यूटन की है कि 10 न्यूटन की है, ये तो मेरे को ये पता लगा। यहाँ से मैं इसको एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ, तो यहाँ पर ये जो ओपी हुआ, ये वेक्टर हमारा हुआ 3i कैप प्लस 2j कैप। के कैप तो इसमें आएगा नहीं, बिकॉज इसमें थर्ड एक्सिस नहीं है ना, इसमें जेड एक्सिस नहीं है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ये मान लो एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, या वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो मान लो फोर्स है, तो फोर्स का वैल्यू कितनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, कि वो फोर्स 5 न्यूटन की है कि 10 न्यूटन की है, वो होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है ये एक्स आई कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इनको ऐड करके रूट ले लो। समझ में आई बात? बट क्यों होता है, अभी इसका रीजन तो बताना है कि इसको पोजिशन वैक्टर को ऐसे क्यों लिखते हैं, बट मैग्नीट्यूड ये क्यों होता है ये यहाँ से बताया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो। अब एरो की लेंथ क्या है बच्चों, एरो की लेंथ कैसे आएगी, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इफ दिस पॉइंट इज 3.2 तो ये वाली लेंथ आपकी, ये पॉइंट ही मैंने गलत लिया हुआ है, सॉरी दिस इज 2.3, दिस पॉइंट इज 2.3। ठीक, तो अगर आपका ये पॉइंट है 2.3 तो ये जो लेंथ है आपकी ये होगी 2 यूनिट्स और ये जो लेंथ है आपकी ये होगी 3 यूनिट्स। तो आप ये देखो कि एरो की लेंथ विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एरो की लेंथ क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आया ना ये अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये जो भी फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 प्लस 9, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आया है ये, बट ये तो 2D में है, 3D में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बनता है अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं तो। यस, ये यही बनता है, मैं करके दिखाता हूं। तो 3D में बात करें बच्चों, अगर जैसे मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, बट जेड एक्सिस बेसिकली ये है कि ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड ये बाहर की तरफ लाइन आ रही है ना, हमारी तरफ ये जो लाइन आ रही है ये जेड एक्सिस हुआ। बट 2D प्लेन में हम उस तरीके से नहीं बना सकते, तो हम इसको टेढ़ा दिखाते हैं, आप ऐसा मानो कि ये ऐसे हैं। ठीक, एक दो टर्म्स और सीख लो, जैसे इसमें प्लेन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। जैसे आप मान लो, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ, तो ये जो लाइन जा रही है इस वाली वॉल और फर्श के बीच में, ये लाइन आपकी हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली यहाँ पे एक वॉल है, इमेजिन कर लो है, पर सच में यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल और फर्श के बीच में ये लाइन जा रही है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये छत की तरफ जो दोनों वॉल्स के बीच में लाइन जा रही है ये हो गया जेड एक्सिस। तो फर्श को मैं बोलूँगा एक्स वाई प्लेन। फर्श को मैं एक्स वाई प्लेन क्यों बोलूंगा, क्योंकि फर्श की जो बाउंड्री है वो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फर्श को क्या क्या बाउंड कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फर्श मेरा क्या हो गया, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से जो वॉल है इसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो वॉल हुई मेरी, ये वॉल हुई मेरी एक्स जेड प्लेन, और ये जो सामने वाली वॉल है जो आपने सिर्फ इमेजिन करनी है, इमेजिन तो फर्श भी क्या होगा, वो भी कौन सा दिख रहा है, तो ये वॉल जो है ये जेड और y, ये हो गया मेरा yz प्लेन। तो इसमें हमारा क्या हुआ, ये हो गया xz प्लेन, ये xy प्लेन, और ये जो कि ऐसे हो गया बेसिकली, क्योंकि z एक्सिस ऐसे है ना, तो ये जो है मेरा, ये हो गया मेरा yz प्लेन। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट हो गए, बट मैं उसको यहाँ नहीं बना सकता ना, मैं उसको यहाँ बनाता हूँ। आपको इमेजिन करना है कि मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इस ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ओके, सो क्यों होगा वो मैंने बताना है अभी, है ना, पर मैंने एक चीज़ बताई आपको, 2D में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, बट 3D में जो इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आया अब वो हमने देखना है। ठीक, उसके लिए ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, इसको मैं सीधा कर दूँ, सीधा कर दूँगा इसको एकदम, फिर टेढ़ा जा रहा है, बड़ा ही ढीठ किस्म का वेक्टर है ये। ठीक, सो आपको एक चीज़ इमेजिन करनी है कि ये यहाँ से एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींची और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला बच्चों, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पॉइंट मेरा अब एक्स जेड प्लेन में है। देखो वाई क्या बता रहा है, y बता रहा है कि ये कितना ऊपर होगा पॉइंट, y का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है कि ये पॉइंट कितना ऊपर होगा, तो ये पॉइंट अब बिल्कुल ही नीचे आ गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हो गया जीरो, बट इसका x और z कोऑर्डिनेट तो वही रहे, क्योंकि x एक्सिस से और z एक्सिस से इसका डिस्टेंस अभी भी वही है, बट y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया क्योंकि y कोऑर्डिनेट बता रहा था कितना ऊपर है, z x कोऑर्डिनेट बता रहा था कितना इधर है, z कोऑर्डिनेट बता रहा था कितना इधर है, y कोऑर्डिनेट बता रहा था कितना ऊपर है, तो अभी हमने ऐसे या ऐसे इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं करी है, हम ऊपर से इसको नीचे ले आए, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है इस प्लेन में आके वो जीरो हो गया। अब आप सोचो कि ये जो OA है, OA इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों एक्स आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया ना आपको, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ है ही नहीं उसमें। अब आप इमेजिन करो, बहुत इमेजिन कराते हो सर, करना पड़ेगा ना यार, ये 3D में इमेजिन करना है, 2D में मैं बना रहा हूँ, समझा करो बात को। ये जो है OP, इनके नाम रख दिए हमने तीनों के, ठीक है, देखो OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये प्लेन है ना, ये ऐसा प्लेन है, ये ऐसे सीधा है, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो OP का जो मैग्नीट्यूड है, OP का जो स्क्वायर होगा वो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा, समझ में आई बात, अच्छा जी, OP स्क्वायर क्या हुआ, OA स्क्वायर, OA क्या है बच्चों, यहां से अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करूं, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, अब ये जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल ही x एक्सिस पे पहुंच चुका है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0, अब सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट बताने की ज़रूरत है, y भी ज़ीरो होगा बिकॉज इसकी हाइट भी गई और z भी ज़ीरो होगा, ठीक है, समझ में आई बात, तो ये अब इसका नाम दे दो b, ये भी अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे मैं निकालूं कि OA क्या है, OA है OA स्क्वायर निकाल लो डायरेक्ट, ये हाइपोटन्यूज होगा ना इसमें, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, अच्छा जी, AB क्या है, ये किसके पैरेलल डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का जो y के पैरेलल मेजर किया गया है, ये वही डिस्टेंस होगा ना जो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है z, तो ये जो डिस्टेंस होगा z एक्सिस के पैरेलल ये जो मेजर किया गया है ये हमारा क्या होगा z, तो ए बी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, समझे, और ओ बी तो x है प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, तो ओ ए स्क्वायर हमारा हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह x को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस ए पी स्क्वायर, ए पी क्या है बच्चों, ए पी तो y है, ये जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, कि पॉइंट कितना ऊपर है, ऊपर कितना जा रहा है वो y बता रहा है, तो y स्क्वायर, और ओ पी हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ में आई बात,
तो वही पाइथागोरस थ्योरम वाला हिसाब किताब ही है, 2D पे भी वही लगेगा, 3D पे भी वही लगेगा। तो आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, समझ में आई बात? ठीक है, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस लेता हूँ। वो छोटी सी बात क्या है? वो छोटी सी बात है यूनिट वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी का क्या मतलब है? देखो, तीन तो हमने प्री डिफाइंड कर लिए, पहले से सेट करके रख लिया कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप बोलेंगे, रेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप बोलेंगे। बट यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, वो तो किधर भी हो सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे किसी डायरेक्शन में एक वेक्टर पता हो और मुझे उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? अब आप ये सोचो, जो पीछे मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो मेरी एक फोर्स थी 5i कैप, है ना, ये वेक्टर हो गया। अब मुझे इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है बच्चों? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में है ना फोर्स, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो मुझे पता है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप है। अब आप ये सोचो, इस 5i कैप से आई कैप कैसे आया? इस 5i कैप से आई कैप कैसे आया? 5 से डिवाइड करके। और 5 इसका क्या है? 5 इसका मैग्नीट्यूड है। तो हमें एक बात पता चली कि अगर मुझे किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो मुझे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए। अगर मुझे इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, विच इज़ एफ कैप, तो मैं ये जो वेक्टर है ये, अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, यानी 5i कैप डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे मिलेगा आई कैप, जो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यही मेरे को रूल मिल गया कि मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मुझे उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अब जैसे ये मेरा वेक्टर था OP, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? xi कैप + yj कैप + zk कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, समझ में आई बात? कैसे, क्यों क्यों ये यूनिट वेक्टर है? पहले तो हम ये चीज़ देख लें कि यूनिट वेक्टर है भी या नहीं। यूनिट वेक्टर वो है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है? बिल्कुल आता है जी, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। चलो निकालें, पहले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x/x² + y² + z² आई कैप प्लस y अपॉन ये, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उस पूरे का रूट। तो OP का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? ये प्लस
मैं ये सब इसलिए प्रूव कर करके दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़, बिकॉज जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने वीडियोस में कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रट्टा ना मारो कि आपने सिर्फ याद कर लिया कि ये इसका एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ऐसे। पूरी फील लो फिज़िक्स की, घुस जाओ उस चीज़ में। क्यों वाला जो पार्ट है ना कि ठीक है ये होता है बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्यों होता है, तो वो क्यों वाले पार्ट पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इसका देखो स्क्वायर कर दिया ना मैंने, अच्छा थोड़ा शॉर्ट में लिख दें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, और न्यूमिरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया ना, न्यूमिरेटर में क्या आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा और यहाँ जेड स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसको काटोगे तो आएगा वन, यानी कि इस वाले वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो वन है। बहुत ही बढ़िया, तो ये यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हम क्या निकाल रहे थे कि ये मैंने बोला ना कि जब मुझे कोई वेक्टर पता है तो मुझे उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये कैसे पता कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वही है जो ओपी की डायरेक्शन थी। सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं डिफरेंट होती। तो आप ये सोचो, मैंने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई ही तो किया है, अगर मैं यहाँ से ये कॉमन रख लूँ तो अंदर ये बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये क्या है, ये तो वही वेक्टर है ओपी, और ये क्या होगा, ये अपने आप में एक सिंपल नंबर ही तो होगा। इसको मैं अगर के बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस ओपी इज के इंटू ओपी वेक्टर, ओपी यूनिट वेक्टर इज के इंटू ओपी वेक्टर, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ एक स्केलर से ही मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो क्लियर हुआ कि ये एक वेक्टर होगा जो इस तरीके से निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो ओरिजिनल वेक्टर ओपी का है, और उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर ओपी की है, बट इसका मैग्नीट्यूड होगा वन। समझ आ गई बात, वेरी गुड। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे चर्चा करने लगा हूँ जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बच्चों? जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सेस हो गए, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, ये मेरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू Z2। ठीक, तो इनके जरा पोजीशन वेक्टर्स बनाए जाएं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A विच इज OA क्या होगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। OB क्या होगा, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली ए और बी के
पोजीशन वेक्टर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल हमारा चल के ए से बी तक गया अलोंग एनी पाथ। ये पार्टिकल यहाँ से चल के और ऐसे बी तक आया, ठीक। तो आपको जैसे आप खुद ओरिजिन हो, आपका अभी बताना है वो पार्टिकल पहले कहाँ था। मान लो इधर है, आप कहोगे यहाँ था, अब कहाँ है? यहाँ है। तो ये पहले पोजीशन इसकी ऐसे बता रहे हो, अब इसकी पोजीशन ऐसे बता रहे हो। तो ये जो आया ना, ये जो सीधी लाइन आई ऐसे, ये मेरी फिंगर को देखो, ये जो लाइन आई ऐसे सीधी, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन ये जो ड्रॉ करी आपने, दिस वेक्टर ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आप कहां से कहां तक गए? आप ए से बी तक गए, तो आप करोगे फाइनल वाले कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट। अब यहां पर भी सवाल उठता है कि क्यों? आप अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखो, ठीक। ये फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8, 10। मान लो, सो द वेक्टर ए बी विल बी, दिस वेक्टर ए बी विल बी 5-1 आई कैप प्लस 8-2 जे कैप प्लस 10-3 के कैप विच इज 4 आई कैप 8-2 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, ऐसे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बी ए कितना है, तो बी ए मतलब बी से ए तक गया है ना। अगर ए से बी तक गया तो हमने उसका नाम ए भी रखा ना, इनिशियल वाले का नाम, टेल का नाम पहले आता है, हेड का नाम बाद में आता है। तो बी से ए तक गया तो ए मेरा बाद वाला हुआ, तो 1-5 आई कैप प्लस 2-8 जे कैप प्लस 3-10 के कैप विच इज -4 आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। और अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? यही बचेगा, ठीक है। तो बी ए इज माइनस ए बी, ये क्लियर है ना, क्योंकि इनकी सिर्फ डायरेक्शन ही तो उल्टी हुई है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, आपने ए बी निकाल लिया तो बी ए क्या होगा, इसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। तो ये इस तरीके से हम, अगर मेरा दोनों में से एक भी पॉइंट जो है वो ओरिजिन ना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम बोल देते हैं उस वेक्टर को। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो मेरा पोजीशन वेक्टर है किसी भी वेक्टर का, वो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। OA का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, OA की टेल कहाँ पर है? 0, 0, 0 पे। तो क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता कि दिस इज x1-0 आई कैप प्लस y1-0 जे कैप प्लस z1-0 के कैप? कहा जा सकता है ना, ठीक है। तो ये जनरल तरीका तो यही है वेक्टर फॉर्म निकालने का किसी भी लाइन का। तो अगर उसका टेल जो है वो ओरिजिन पे हो तो हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर, अगर उसका टेल ओरिजिन पे ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसको इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन सवाल अभी हमारा छूट गया तीनों के लिए ही, पोजीशन वेक्टर के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए भी, कि क्यों ऐसा हम करते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इसका आंसर बेस्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, विच इज़ ट्राइंगल लॉ, जिसको मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट उस वीडियो को देख लो, उसमें आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। प्लस उसको करने के बाद फिर आज अभी वाले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े प्लस ट्राइंगल लॉ के मिला के उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी वेक्टर चलेगा, काफ़ी कुछ है इसमें बताने का। तो ये तो सिर्फ इसका बेसिक्स था। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रायंगल लॉ वाले में, ठीक है। पढ़ते रहो, बाय बाय।